क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑफ वेक्टर्स रिलेटिव टू ओरिजिन द पॉइंट ए बी एंड डी हैव पोजीशन वेक्टर्स गिवन बाय दिस इज द ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ डी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ए फोर्थ पॉइंट सी इज सच दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हमें तीन पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं हमें सी का पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पहले हमने पोजीशन वेक्टर सी का फाइंड करना है जिसको हम ओ सी कहते हैं एंड वेरीफाई दैट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस देखें पहले दोनों पैरेललोग्राम और रोम्बस एज ए होल ये क्वाड्रिलेटर्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल और इक्वल होती हैं ये पैरेललोग्राम है और रोम्बस क्या होती है रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और All the sides equal. ये parallel हैं और all the sides are equal. अब हमने पहले OC position vector of C find करना है OC and फिर हमने parallelogram को show करना है कि that is not a rhombus. So let this is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी दिस साइड इज पैरेलल टू दिस और दिस साइड इज पैरेलल टू दिस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम सो नो ए बी वेक्टर जो होगा ए बी वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी सी पॉइंट इज दिस इसका हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जिस तरह ओ बी डी और ए के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं वी नो वेरी वेल दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर तो सो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू डी सी वेक्टर अब इनको हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में ए बी और डी सी को लिख लेते हैं ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए इज इक्वल टू डी सी होगा ओ सी वैक्टर माइनस ओ डी वैक्टर तो अब यहां से हमने ओ सी फाइन कर लेना है तो इसको रीअरेंज करेंगे वी गेट ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ ए प्लस ओ डी अब हम ओ बी ओ ए और ओ डी की वैल्यू हमें दी हुई है ये देखें ये इनको इनके पोजीशन वेक्टर जो है वो यहाँ लिख देंगे ओ सी विल बिकम हम कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं इसको ऐसे ओ बी को हम लिखेंगे टू फाइव आइए के फॉर्म में लिख लें या कॉलम में लिख लें एक ही बात है टू फाइव थ्री माइनस ओ ए इज वन टू वन ओ ए इज वन टू वन प्लस ओ डी एस थ्री जीरो टू अब इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा ओ सी वेक्टर विल भी इनको ऐड करेंगे टू माइनस वन प्लस थ्री वी गेट वन तो सो यहाँ पे लिख सॉरी फोर फोर थ्री फोर या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई जे के फॉर्म में फोर आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये हमने फाइंड कर लिया फोर आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के अब हमने शो करना है कि दिस पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस रोम्बस नहीं है पैरेललोग्राम जो रोम्बस नहीं है सो दिस मीन्स दैट ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है
अगर ये रोम्बस होती तो ये सारी साइड जो है इनके मैग्नीट्यूड लेंथ लेंथ जो है इन सबकी सेम होती अगर ये रोम्बस होती, लेकिन अब ये रोम्बस नहीं है तो दिस मीन दैट ए बी फाइंड करेंगे और ए डी फाइंड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट है, तो यहाँ से शो हो जाएगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द ए बी वैक्टर, पहले फाइंड करेंगे ए बी वैक्टर जो है ओ बी माइनस ओ ए 2 5 3 ओ बी माइनस ओ ए 1 2 1 वी गेट 1 3 2 दिस इज ए बी वैक्टर। अब ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम इसका, तो वो आ जाएगा 1² + 3² + 2² होल अंडर रूट। तो ए बी मैग्नीट्यूड यानी ए बी की लेंथ वो आ जाएगा 1² + 2 3² + 2² होल अंडर रूट, दैट बिकम्स 14 अंडर रूट। नो इन द सेम वे अब हम फाइंड करेंगे ए डी का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर ए डी वेक्टर, पहले हम ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे, ए डी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं पहले, ए डी वेक्टर विल बी ओ डी माइनस ओ ए, तो 3 0 2 - 1 2 1 दैट इज 2 - 2 1, ये आपके पास ए डी वैक्टर आ गया। ए डी वैक्टर की लेंथ क्या होगी या इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन द सेम वे 2² + -2² + 1² होल अंडर रूट, तो मैग्नीट्यूड इसका एक्स्ट्रा फाइंड हो जाएगा 2² + -2² + 1² होल अंडर रूट, वी गेट 9√ दैट इज 3, ये आ जाएगा 3। अब देखें ए बी जो है इसका मैं ए बी की ए बी लेंथ जो है दैट इज 14 अंडर रूट और ए डी लेंथ जो है दैट इज 3। अब देख रहे हैं कि ये ए डी की लेंथ और ए डी ए बी की लेंथ और ए डी की लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, दिस शोज दैट दिस ए बी सी डी इज नॉट अ रोम्बस। यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस ए बी मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू ए डी मैग्नीट्यूड, ए बी मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी, वेरीफाइड दैट पैरेललोग्राम is not a rhombus. So next part of this question is find angle BAD. BAD giving your answer in degree. Find the angle BAD and giving your answer in find the angle BAD giving your answer in degree. बी ए डी हम यहाँ पे इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी ए डी दिस इज बी दिस इज ए एंड दिस इज डी, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, लेट दिस वेक्टर ए वेक्टर कह लेते हैं इसको, बी वेक्टर कह लेते हैं, हमने ये एंगल फाइंड करना है, इसके लिए वेक्टर कौन से चाहिए हमें, ए बी और ए डी जो कि हमारे पास पहले ही हैं, तो देन वी विल यूज फार्मूला, फार्मूला दोनों के पहले हम ए डी फाइंड ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड और ए डी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, ए बी एस वो पिछले पार्ट में हमने फाइंड किया हुआ है, ए बी वेक्टर जो है वो हमारे पास है 1 3 2 और ए डी वेक्टर जो है वो हमने अभी फाइंड किया है वो 2 - 2 1। अब लेट दिस इज ए बी को हम सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए और ए डी को हमने सपोज कर लिया है वेक्टर बी,
नो फार्मूला फॉर फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, वो ये होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब ए और बी, ए हमारे पास है बी ये है, यहाँ पे उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हम ये इनको आईजे के फॉर्म में लिख ले या ऐसा भी लिख सकते हैं, तो सो कॉस थीटा विल बी, इसको लिख लें ए एच आई आई जे के फॉर्म में लिख देते हैं, आई प्लस 3 जे प्लस 2 के, और बी वेक्टर को भी आई जे के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 आई माइनस 2 जे प्लस के। डिनोमिनेटर में इनके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस मीन दैट ए बी का मैग्नीट्यूड जो हमने पीछे पिछले पार्ट में कर लिया, ए बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया है। ए बी का मैग्नीट्यूड जो है वो 14√ है, तो यहाँ 14√, और ए डी का मैग्नीट्यूड 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। आप डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई के कोफिशियंट को आई के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे को जे के साथ और के कोफिशियंट को के साथ, और उनको ऐड कर रहे हैं, तो फाइनली वी गेट कॉस थीटा विल बी कॉस थीटा विल बी 2 माइनस 6 प्लस 2 ओवर 3 × 14√, दिस बिकम −2/3 × 14√, दिस इज cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए नेगेटिव साइन हमने नहीं लेना, तो सो थीटा विल बी cos इनवर्स 2/3 × 14√, वी गेट आंसर इज 79.7377 डिग्री। तो दिस इज नॉट द आंसर। अब आंसर क्या होगा, अब आपने देखना है कि अगर आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव हो तो आंसर हमेशा ऑब्ट्यूज आता है, ऑब्ट्यूज आएगा, एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो क्लियरली ए डॉट बी इज नेगेटिव, तो सो ये आंसर नहीं है, एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो ये एक्यूट एंगल है, बेसिक एंगल है, इसको 180 में से माइनस करते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल फिर क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस दिस बेसिक एंगल 79.737 डिग्री। तो फाइनली वी गेट फाइनल आंसर विल बी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस 100.3 डिग्री, दिस इज द फाइनल आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। नो नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, पैरेललोग्राम ये देखिए हमें पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी है, ए एंगल अभी हमने फाइंड किया है, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं 2 इक्वल हाफ में, 2 ट्राइंगल्स बन जाती हैं इसकी, ये और ये ट्राइंगल दोनों के एरिया सेम होंगे। हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, तो सो हम ये एरिया फाइंड कर रहे हैं ए बी डी, ए बी डी का एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो ये इसको डायग्राम में शो कर लेते हैं ऐसे, ए बी सी एंड डी, हमने इसको ये पैरेललोग्राम है और हमने इसको स्प्लिट कर लिया है
टू इक्वल हाफ्स में, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम होंगे। हम हमें अब ये एंगल हमारे पास है अभी फाइंड किया है, ये एंगल ए बी ए डी हमने फाइंड कर लिए, दिस इज 100.3 डिग्री। ए बी की लेंथ हमारे पास है 14 अंडर रूट और ए डी लेंथ है हमारे पास 3। तो एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, दिस इज द इंक्लूडेड एंगल ए डी और ए बी के दरमियान ये जो एंगल है दिस इज इंक्लूडेड एंगल, और साइड की लेंथ भी दी हुई है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं, तो सो एरिया इज 1/2 ए इज 3 इंटू 14 अंडर रूट इंटू साइन 100.3 डिग्री, तो वी गेट 5.522। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी 2 × 5.522। तो फाइनली करेक्ट 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास एरिया आ जाएगा 11.0 यूनिट स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, करेक्ट 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।